और अब बात करते हैं उस हथियार की जो अगर यूक्रेन को मिल गया तो रूस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। जी हाँ, 935 दिनों से जारी रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने एक बार फिर अपने सहयोगी पश्चिमी देशों से रूस के रणनीतिक ठिकानों पर हमले की मंजूरी मांगी है। बीती रात अपने संबोधन में जेलेंस्की ने कहा कि लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के सैन्य ठिकानों को तबाह करके ही इस युद्ध का समाधान निकाला जा सकता है। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन, जो पिछले हफ्ते तक यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देने का मन बना चुके थे, अब वो पुतिन की चेतावनी के बाद बैकफुट पर हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने पुतिन की चेतावनी को बड़बोलापन करार दिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि बाइडेन प्रशासन कथित तौर पर यूक्रेन को AGM-158 जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल यानी जास्म सप्लाई करने का फैसला कर सकता है। इसी को लेकर पुतिन से सवाल किया गया तो उन्होंने अमेरिका और नाटो को कड़ी चेतावनी दे डाली। पुतिन ने कहा था कि अगर रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला होता है तो माना जाएगा कि नाटो इस जंग में सीधे तौर पर शामिल हो गया है। पुतिन की चेतावनी के बाद व्हाइट हाउस को बयान जारी करना पड़ा। इस बयान में कहा गया कि फिलहाल यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल सप्लाई करने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। खबरों के मुताबिक जास्म मिसाइल यूक्रेन की सैन्य ताकत को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल है। लिहाजा माना जा रहा है कि अगर ये मिसाइल यूक्रेन को मिल जाती है तो रूस के साथ चल रहे युद्ध की दशा और दिशा बदल सकती है। जास्म मिसाइल एक आधुनिक गुप्त क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर यानी लगभग 186 मील है, जबकि इसके एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट यानी जास्म ईआर की रेंज 1000 किलोमीटर यानी 621 मील से ज़्यादा है। इसका डिज़ाइन ऐसा है कि दुश्मन के लिए इसका पता लगाना और इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। ये मिसाइल 1000 पाउंड तक वॉरहेड ले जाने और सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। अमेरिका ने साल 2001 में जास्म मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू किया था। 2014 में इसे अमेरिकी एयरफोर्स में शामिल किया गया। सीरिया युद्ध में अमेरिका 19 जास्म मिसाइलों का इस्तेमाल कर चुका है। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका ने जब सीरिया में इस मिसाइल का इस्तेमाल किया था तो रूसी एयर डिफेंस सिस्टम इनमें से एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक जास्म मिसाइल को यूक्रेन के पास मौजूद लड़ाकू विमानों के साथ संचालित करने के योग्य बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसे किस लड़ाकू विमान के साथ इस्तेमाल करने लायक बनाया जा रहा है इसकी जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। अब तक इसे अमेरिका में बने एयरक्राफ्ट के साथ ही इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि अगर अमेरिका इस मिसाइल को देने का फैसला करता भी है तो यूक्रेन को इसकी डिलीवरी मिलने में कई महीनों का समय लग सकता है। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 Digital।